हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा 2018 का जो टॉपिक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उसके बारे में, यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या होता है। ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पे स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई 1951 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्थापना कब हुई और कहाँ पे स्थित है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए कि इसकी स्थापना दिल्ली में 1951 में की गई। ये कौन से मंत्रिमंडल के अधीन होता है, तो ये होता है आपका सचिवालय जो है उसके अधीन होता है इसका मंत्रिमंडल। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है प्रबंधन के लिए, तो इसमें एक तो होता है निदेशक, एक होता है मतलब डायरेक्टर, जो कि किस सांख्यिकी विभाग का संयुक्त सचिव होता है। जो स्टैटिक्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो संयुक्त सचिव होता है वो इसका निदेशक होता है। अब निदेशक के साथ उसकी सहायता करने के लिए 6 संयुक्त निदेशक होते हैं, उसके अलावा 7 विशेष अधिकारी होते हैं, 30 उपनिदेशक होते हैं और बहुत सारे अनेक अन्य अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें अनेक अधिकारी होते हैं जिसमें मेन यही है, एक निदेशक, 6 संयुक्त निदेशक, 7 विशेष अधिकारी और 30 उपनिदेशक। अब देश में इसकी स्थापना की गई है तो ये कार्य क्या क्या करता है। देखिए CSO के कार्य, CSO क्या करता है, विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त जो समंक होते हैं यानी कि डाटा, जो विभिन्न मंत्रालय उनसे ये डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा का समन्वय करता है। और देखिए परिभाषा एवं मानकों का निर्धारण करता है, जो डाटा इसको प्राप्त होते हैं मंत्रालयों से उन डाटा का ये वेरिफिकेशन करता है। उसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, जो अन्य देशों के सांख्यिकी विभाग होते हैं उनसे संपर्क स्थापित करता है। उसके अलावा देखिए सांख्यिकी सूचना उपलब्ध कराना, जो स्टैटिक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी मंत्रालय को चाहिए वो उस मंत्रालय को उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय लेखा समंक जो होते हैं उसका वार्षिक अनुमान ये लगाता है कि राष्ट्र में कितनी हमारी क्या चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ घट रही है, तो ये इसका अनुमान लगाता है। उसके बाद देखिए योजना निर्माण करती है सरकार, तो योजना निर्माण के लिए सरकार को पहले डाटा चाहिए होता है कि कहाँ पे कितनी चीज़ कहाँ पे क्या लगाना है, तो ये योजना निर्माण के लिए डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है। और जो हमारी जनसंख्या होती है उसमें जो डाटा कलेक्ट होता है उस डाटा कलेक्ट का समन्वय भी CSO ही करता है। औद्योगिक जो हमारे समंक होते हैं कि कितने % हमारे उद्योगों में कौन सा उद्योग ऊर्जा किस पर कितना व्यय हो रहा है, तो ये भी औद्योगिक समंक का प्रकाशन भी आपका CSO करता है। उसके बाद आप देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार मंडल यानी कि नेशनल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ स्टैटिक्स, ये कब स्थापित हुआ, ये आपका 1982 में स्थापित हुआ। ये क्या होता है, CSO जो है इसका मंत्री, CSO इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसकी ये बात इम्पोर्टेंट है कि CHO किसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है, तो वो NAPS के सचिवालय में रूप में कार्य करता है। NAPS की स्थापना कब हुई, 1982 में। अब देखिए CSO के प्रभाग, इसके 5 प्रभाग होते हैं। पहला देखिए राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है GDP का अनुमान लगाना, ये देश की जो GDP होती है उसका अनुमान लगाता है। देखिए GDP की गणना हर 3 माह में होती है, GDP त्रैमासिक गणना होती है। उसके अलावा ये स्थायी पूंजी का अनुमान लगाता है कि हमारे देश में कितनी हमारे पास पूंजी रखी हुई है, ये काम है राष्ट्रीय लेखा प्रभाग का। उसके अलावा CSO का अगला प्रभाग है सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग या विभाग, वो इसको बोलते हैं SSD, इसका काम है पर्यावरण संबंधी डाटा या समंक उपलब्ध कराना और जो सांख्यिकी संगोष्ठी सम्मेलन या जो भी देश में आयोजित हो रहे हैं उसके लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध कराता है। उसके बाद देखिए आर्थिक सांख्यिकी विभाग, इसको बोलते हैं ESD, तो जब अर्थ से संबंधित है तो ये क्या करता है, आर्थिक औद्योगिक डाटा का सर्वेक्षण करता है, समन्वय करता है। उसके बाद है प्रशिक्षण प्रभाग, ये जनशक्ति जो है हमारी देश की जनता उसको स्टैटिक्स के बारे में प्रशिक्षण देता है, अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता है। उसके बाद है समन्वय प्रकाशन विभाग, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये सांख्यिकी दिवस मनवाता है, देश में सांख्यिकी दिवस इसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में जो भी देश के डाटा प्रकाशित होते हैं उनको समन्वय करके प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराने का कार्य समन्वय एवं प्रकाशन विभाग का है। तो फ्रेंड्स ये था आपका CSO, इसको आप एक बार और देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी स्थापना पढ़ी, इसको देखा कि इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इसके कार्य देखे, ये किसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसके प्रभाग देखें।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।